हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2020 है। आज हम 21 अप्रैल की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड सेल्फी फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट्स, यानी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फी फिक्स डिपॉजिट और सेल्फी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। तो ये किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसने 15 अप्रैल 2020 को सेल्फी फिक्स डिपॉजिट और सेल्फी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से वह अपनी बैंकिंग सर्विस को एक्सपेंड कर सकता है और कस्टमर बिना ब्रांच जाए अपना इस अकाउंट को लॉकडाउन के दौरान खोल सकते हैं। ओके, देखिए हम बात करें सेल्फी एफडी की। इसके अंतर्गत कस्टमर अपना अकाउंट पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से ओपन कर सकता है और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये 5,000 रुपये है और मैक्सिमम 90,000 रुपये है। और इसके अंतर्गत बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वह अप टू 7.75% देता है 1 साल के लिए। ओके, और सीनियर सिटीजन यदि इस अकाउंट को ओपन करते हैं, यदि 6 मंथ के बाद अपने विड्रॉल्स को प्री मैच्योर करते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सेल्फी सेविंग अकाउंट की। इसको भी कस्टमर आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग पिन सेट करना होगा जिससे कि वह इंस्टेंटली अपनी सेविंग अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बैंक अप टू 7.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है सेल्फी फिक्स डिपॉजिट और सेल्फी सेविंग अकाउंट, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन नरसिम्हन। ऐसे ही कुछ टाइम पहले एक्सिस बैंक ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्सप्रेस एफडी। तो आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेस एफडी जो प्रोडक्ट है ये एक्सिस बैंक का है। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, यानी कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 को स्टार्ट किया है। तो ये है राजस्थान। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 को स्टार्ट किया है। देखिए, इसके अंतर्गत लोगों का टेस्ट किया जाता है ब्लड का। इसके माध्यम से यदि कोविड-19 से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं किसी भी पेशेंट के अंदर तो उनकी फिर सेपरेट कोविड-19 की टेस्टिंग की जाती है। ओके, यानी कि यदि इस टेस्टिंग के माध्यम से यदि कोविड-19 से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं तो ये इंडिकेट करता है, फिर अलग से सेपरेट कोविड-19 की टेस्टिंग की जाती है। यानी ये जो रैपिड टेस्टिंग है ये कंफर्म नहीं करता कि पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 को राजस्थान ने स्टार्ट किया है जो देश का पहला राज्य है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। देखो, उत्तर प्रदेश ने अभी कुछ समय पहले पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 को शुरू किया था। इसके अंतर्गत लोगों के कलेक्टिव सैंपल्स को लिया जाता है, फिर उसको मिक्स करके उसकी टेस्टिंग की जाती है। यदि टेस्ट के दौरान सैंपल नेगेटिव है तो जो नंबर ऑफ पर्सन हैं उन्हें कोई भी कोविड-19 नहीं है, और यदि पॉजिटिव है तो फिर उनका सेपरेट जो टेस्ट है उनका किया जाता है कि इनमें से कौन कोरोना पॉजिटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि लॉट ऑफ पर्सन संदिग्ध हैं, उनकी सेपरेट टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पूल टेस्टिंग को स्टार्ट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेट कलर कोड फॉर लॉकडाउन 2.0 टू मैनेज कोविड-19 पेंडेमिक, यानी किस मिनिस्ट्री ने कोविड-19 पेंडेमिक के लिए लॉकडाउन 2.0 के लिए कलर कोड को फॉर्मुलेट किया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट किया है जो नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान प्रोवाइड की जाएंगी, और लॉकडाउन 2.0 को 20 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि यदि सभी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे, इसके अंतर्गत 3 जोन दिए जाएंगे जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। देखिए, रेड जोन के अंतर्गत यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं तो उसको रेड जोन में रखा जाएगा। तो रेड जोन के दौरान जो लॉकडाउन है उसको ही कंटिन्यूस रखा जाएगा। और बात करें हम ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की, इसके अंतर्गत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें और वह ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंतर्गत रहें। ओके, अगला क्वेश्चन है,
यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ट श्री प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी ICH ऑफ द लिस्ट. यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की नेशनल लिस्ट जारी की है, जिसमें यूनेस्को ने कितने ICH को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये किया है 13. यानी देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की नेशनल लिस्ट जारी की है, जिसमें यूनेस्को ने ICH के अंतर्गत 13 को मान्यता दी है. देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उसको प्रमोट किया जाए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जागरूकता फैलाई जाए, और साथ ही साथ जो कल्चरल हेरिटेज हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जाए. ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने अपने 2024 के विजन को देखते हुए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है. तो आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को ने ICH की लिस्ट में इसमें से 13 को ही रिकॉग्नाइज किया है. अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 122 ईयर ओल्ड यूके बेस्ड फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल्स फॉर ₹153 करोड़. यानी किस कंपनी ने 122 साल पुरानी यूके बेस्ड फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल को 153 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है, तो ये किया है TVS मोटर्स ने. देखो, TVS मोटर्स ने 122 साल पुरानी यूके बेस्ड फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल को 153 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है. अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज लॉस कवरेज फॉर माइक्रो लोन डिफॉल्ट अंडर CGFMU स्कीम टू डैश फ्रॉम 50% अर्लियर. यानी गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी फंड इन माइक्रो यूनिट स्कीम के तहत माइक्रो लोन डिफॉल्ट के लिए लॉस कवरेज को 50% से बढ़ाकर कितना किया है, तो ये किया है 75%. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम इन माइक्रो यूनिट स्कीम के तहत माइक्रो लोन डिफॉल्ट्स के लिए लॉस कवरेज को 50% से बढ़ाकर 75% किया है. देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लॉकडाउन के दौरान जो माइक्रो बिजनेस हैं वह काफ़ी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CGFMU की स्कीम है उसमें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं. इसके माध्यम से लॉस कवरेज को 50% से बढ़ाकर 75% किया है. इसके अंतर्गत यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, तो इसके पहले साल में जो लॉस की गारंटी है वो निल होगी, और सेकेंड ईयर या उसकी जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें लॉस की 75% की कवरेज है उसको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, अब बात करते हैं हम क्रेडिट गारंटी फंड इन माइक्रो यूनिट्स की. इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में अनाउंस किया था. इसके अंतर्गत जो माइक्रो लोन्स हैं 10 लाख रुपीस का, उसमें लॉस कवरेज प्रोवाइड करता है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसको 50% से बढ़ाकर 75% किया है. अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट एंड अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड अल्ट्रावायलेट डिवाइस. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर्स डिस्पेंसिंग यूनिट और अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड अल्ट्रावायलेट डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये किया है DRDO ने. देखिए, DRDO की कुछ लेबोरेटरीज हैं, उन्होंने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड UV डिवाइस को डेवलप किया है. देखिए, हम बात करें ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट की, इसके अंतर्गत कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर सिस्टम फिक्स होता है. ओके, और इसमें से जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसकी स्प्रिंकल की जाती है, यानी फॉगिंग की जाती है, जिससे कि आपके हैंड और आपकी जो बॉडी है उसको एकदम क्लीन किया जाता है, यानी कि सैनिटाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उसको एकदम रिमूव किया जा सके. ओके, यानी आपकी बॉडी को एकदम क्लीन किया जा सके जिससे कि आप अपनी बिल्डिंग्स और अपने ऑफिस में जा सकें. और बात करें हम UV सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड UV डिवाइस की, इसके अंतर्गत आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, ओके, और जो आपके गैजेट्स हैं या टैबलेट्स हैं, साथ ही साथ जैसे चेयर हैं, फूड पैकेट्स हैं, ओके, उनको इन अल्ट्रावायलेट तरीके से उनको सैनिटाइज किया जाता है. तो आपको ध्यान रखना है ये DRDO ने इनको इंट्रोड्यूस किया है. अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फोर्स हैज डेवलप्ड एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर COVID-19 पेशेंट. यानी किस इंडियन फोर्स ने COVID-19 पेशेंट के लिए एयर इवैक्यूएशन पोर्ट को डेवलप किया है, तो ये किया है इंडियन नेवी ने. यानी इंडियन नेवी ने COVID-19 पेशेंट के लिए एयर इवैक्यूएशन पोर्ट को डेवलप किया है.
अगला क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बिकेम द सेकेंड इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू डिकोड द एंटायर जियोनोम सीक्वेंस ऑफ द कोविड 19 वायरस। यानी किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोविड 19 वायरस के लिए जियोनोम सीक्वेंस के डिकोड को इंडिया में स्टार्ट किया है, जो सेकेंड इंस्टीट्यूट है। तो ये किया है GBRC ने। GBRC इंडिया का ऐसा दूसरा इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड 19 एंटायर जीनोम सीक्वेंस को डिकोड किया है। ओके, देखो पहला जो इंस्टीट्यूट था ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे महाराष्ट्र में, और सेकेंड है GBRC यानी कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इन गांधीनगर। तो आपको ध्यान रखना है, डिकोड द एंटायर जीनोम सीक्वेंस कोविड 19 वायरस को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इन गांधीनगर ने इसको डेवलप किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, NCAER बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैज डिक्लाइन टू डैश फ्रॉम 111.2 इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 20। यानी कि NCAER बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को 111.2 से घटाकर कितना किया है क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो ये किया है 77.3। यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपना 112वां बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे किया, जिसमें उन्होंने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में करीब 600 कंपनियों को उन्होंने कवर किया है। तो इसमें पता चला कि 30% की इसमें गिरावट आई है, यानी क्वार्टर फोर जनवरी मार्च फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसमें 30% की गिरावट पाई गई, जो 111.2 से 77.3 पर आ गई। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 111.2 से घटाकर 77.3 किया है क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2020 में। ओके, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है, ये कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसके चलते इस फिगर में गिरावट आई है। और इससे पहले जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो गिरावट थी ये 1998 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आई थी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 111.2 से घटकर 77.3 आई है। ओके, अब बात करते हैं हम NCAER की, यानी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसको इस्टेब्लिश किया था 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट हैं नंदन एम नीलकणी। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड वन स्टॉप कोविड 19 प्लेटफॉर्म covid5.in फॉर एक्सेसिंग इमरजेंसी सर्विस। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने इमरजेंसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए वन स्टॉप कोविड 19 प्लेटफॉर्म covid5.in को डेवलप किया है, तो ये किया है IIM कोझिकोड़े ने। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड़े ने इमरजेंसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए वन स्टॉप कोविड 19 प्लेटफॉर्म covid5.in को डेवलप किया है। ये एक वन स्टॉप कोविड 19 प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं कोविड 19 से रिलेटेड उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आपको जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्टरी है वहां पर आपको पहुंचाएगा, और साथ ही साथ आपको इसके माध्यम से राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। यानी कह सकते हैं जो कोविड 19 से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वह आपको एकदम सही और एक्यूरेट प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको इमरजेंसी सर्विस के माध्यम से उनको आप इस प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये IIM कोझिकोड़े के स्टूडेंट ने इसको डेवलप किया है, तो इसका नाम है covid5.in। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाई अप विद गूगल टू जियो मैप कम्युनिटी किचन। गवर्नमेंट ने गूगल के जियो मैपिंग कम्युनिटी किचन के साथ टाई अप किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। देखिए, उत्तर प्रदेश ने नोवल कोरोना वायरस के चलते, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पहला ऐसा स्टेट है जिसने गूगल के जियो मैपिंग कम्युनिटी किचन के साथ टाई अप किया है। इसके अंतर्गत करीब 7368 कम्युनिटी किचन और जो कम्युनिटी सेल्टर्स हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में उनको कनेक्ट किया जाएगा, और उनको करीब 12 लाख फूड पैकेट्स एक दिन में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि जो हंगर लोग हैं स्टेट के अंदर उनको भोजन प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, गूगल के जियो मैप कम्युनिटी किचन के साथ उत्तर प्रदेश ने टाई अप किया है। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 21 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।